That's my best friend. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लकी ड्रॉ के अंदर से ज्यादा लकी स्टार कैसे कलेक्ट कर पाए। लकी स्टार वो होते हैं जिससे हम लोग चीजें कुछ खरीद सकते हैं। तो कौन सी चीजें हम लकी स्टार से खरीद सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। लकी स्टार से आप लोग थोड़ी बहुत चीजें खरीद सकते हो, जैसे कि होते हैं डायमंड रॉयल के टिकट्स। डायमंड रॉयल के टिकट मीन्स ये रहे, मैं आपको बताता हूँ। रिडीम के अंदर आएगा लकी स्टार, जो लकी स्टार होते हैं ये लकी स्टार होते हैं, उससे आप 6 लकी स्टार से डायमंड रॉयल के टिकट खरीद सकते हो। फिर 24 घंटे के लिए या तो 7 दिन के लिए ये सब स्कैनर वगैरह खरीद सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, या तो फिर आप गोल्ड रॉयल के टिकट ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ गोल्ड रॉयल के टिकट कैसे लेने। आपको गोल्ड रॉयल सिलेक्ट करना है, एक लकी स्टार से हम गोल्ड रॉयल का एक टिकट ले सकते हैं। तो मैं लेके आपको दिखाता हूँ, ये ले लिया हमने, एक टिकट ले लो। गोल्ड रॉयल वाउचर का एक टिकट ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया। अब इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, लकी रॉयल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे गोल्ड रॉयल के अंदर जाके हम इसका यूज कर सकते हैं और हमें कोई भी चीजें मिलती है। उसी तरीके से हम डायमंड रॉयल से डायमंड रॉयल की टिकटें खरीद के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये लकी स्टार ज्यादा से ज्यादा कैसे कलेक्ट करने है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले। आप गेम जब खत्म करते हो आपके सामने 3 कार्ड आते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। उस कार्ड में से आप कोई भी एक कार्ड ओपन करोगे तो उसके अंदर से आपको या तो कोई चीजें मिलेगी, क्लोथ मिलेगा, लकी स्टार होते हैं, गोल्ड होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब चीजें मिलती है। बट मैं आपको बता दूं, दिन के 3 कार्ड में से 3 कार्ड आते हैं, उनमें दिन के मेरे ख्याल से 10 से 12 वो होते हैं जो लकी स्टार होते हैं वो होते हैं। बट हम 10 से 12 तो नहीं कलेक्ट कर सकते, पर मेरे ख्याल से जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए आप लोग 3 से 4 स्टार तो हर दिन आप कलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको मान के चलूं तो आप लोग दिन के 2 से 3 मेरे ख्याल से कलेक्ट नहीं कर पाते होगे, कभी कभार तो 1 भी स्टार नहीं दिन के कलेक्ट नहीं कर पाते होगे। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको 3 दिन तक नोटिस करना है कि आपको किसके अंदर किस कार्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टार मिल रहे। अगर आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है उसके बाद आप इस चीज को कर सकते हो यूज, तो आपको करना है कि आप जब कार्ड ओपन करो तब आपको देखना है कि आपको फर्स्ट वाले कार्ड में ज्यादा वो मिल रहे हैं लकी स्टार मिल रहे हैं, या तो बीच वाले कार्ड में लकी स्टार ज्यादा मिल रहे हैं, या तो थर्ड वाले कार्ड में ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप थर्ड वाला ओपन करते हो और आपको दिखाता है कि आपको बीच वाले कार्ड के अंदर मिल रहे लकी स्टार ज्यादा, तो आपको पूरा दिन एक दिन नोटिस करना है कि किस में ज्यादा मिलते हैं। बट फिर आपको क्या करना है, सेकंड दिन जब हो जाता है तब आपको करना है कि सेकंड दिन पे आपको हर दिन पूरा का पूरा दिन बीच वाला कार्ड ही ओपन करना है। बीच वाला कार्ड ओपन करते जाओ तो आपको दिन के 7 बार मिलता है ये लकी ड्रॉ। तो 7 बार के अंदर देखो कहीं ना कहीं आपको एक कार्ड में से 2-3 बार तो आपको स्टार मिल ही जाएगा, मतलब आपको 2-3 स्टार मिल गए। अब कई बार लकी स्टार में इतना वो होता है कि लकी स्टार कई बार एक कार्ड के अंदर 15-15 भी लकी स्टार होते हैं, तो भी आपको नोटिस करना है कि आपको किसके अंदर 15 लकी स्टार मिलते हैं। अगर आप ये देख लो कि आपको किसके अंदर 15 लकी स्टार मिलते हैं वो कार्ड आपके लिए सबसे बेटर है, तो आप उसी जगह पे अगर आपको बीच वाले कार्ड के अंदर लकी स्टार दिखा दे कि 15 स्टार इसके अंदर आपको मिलने वाले थे, तो आपको हर बार उसे यूज करना है। बीच वाला कार्ड ओपन करते जाओ। आप इस ट्रिक को 7 दिन तक यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 7 दिन के अंदर मेरे अनुमान के हिसाब से 20 से 21 स्टार तो मिलेगे ही मिलेंगे, मान के चलो मेरा है मानो तो आपको, क्योंकि 3 या 4 स्टार तो मिलेंगे। और कहीं अगर आपका लक्स सही रहा तो आपको 30-35 कार्ड भी 7 दिन के अंदर मिल सकते हैं, मेरा मानना है। अब आपको करना क्या है कि आपने नोटिस कर लिया आपको बीच वाले कार्ड के अंदर एक दिन पूरा आपने बीच वाला कार्ड ओपन किया बट आपको नहीं मिला लकी स्टार एक भी नहीं मिल रहा, तो आपको दूसरे दिन ये करना है कि जो लेफ्ट वाला कार्ड है थर्ड वाला कार्ड उसे ओपन करना है। थर्ड वाला कार्ड है उसको आप पूरा दिन ओपन करते जाओ, अगर उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिलती तो फर्स्ट वाला कार्ड ओपन करो। आप ये 3 दिन तक तीनों कार्ड को नोटिस करो कि आपको किस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसके अंदर आपको ज्यादा लकी स्टार मिल रहे, तभी आप उस कार्ड को ओपन करो। अगर आपको नहीं मिलता तब वहां पे आप स्टॉप हो जाओ उस कार्ड पे। बट आपको 3 से 4 दिन तक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लकी स्टार कहाँ से मिल रहे। अभी चीज ये आती है कि भाई लकी स्टार को हम दूसरी कई जगह पे यूज कर सकते हैं, तो मैं भाई बता दूं लकी स्टार का यूज आप कोई दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आप लकी स्टार का यूज कर सकते हो डायमंड रॉयल का टिकट लेने के लिए, या तो गोल्ड वाउचर लेने के लिए जो गोल्ड रॉयल का टिकट आता है उसको लेने के लिए, या तो कोई आप अपने कार्टून अपग्रेड करवाने के लिए जो फ्रेगमेंट आते हैं फ्रेगमेंट उसे यूज कर सकते हो उसको बाय करने के लिए, बाकी कोई भी लकी स्टार का यूज नहीं। बट ज्यादातर लोग लकी स्टार का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उस बंदे को चाहिए अपने लिए कि लकी स्टार से वो बंदा डायमंड रॉयल की टिकट ले सके, क्योंकि डायमंड रॉयल की टिकट आती है 40 डायमंड की। अगर आप 6 लकी स्टार लेते हो तो आपको वो एक टिकट फ्री में मिल जाएगी,
तो इसके लिए लकी स्टार काफी आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं मान के चलो मेरी ये ट्रिक यूज करो और आप 7 दिन बाद इधर आके मेरे को बताना। और मैं भाई बता दूं, अगर तुम्हें ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को तो लाइक करना ही करना, बट उसी के साथ हमें चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम आपको फ्री में डायमंड्स कैसे लाएंगे उन सभी की ट्रिक्स हम आपको देने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। तो सब्सक्राइब करके रखो और उसके पास जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर। तो चलो मैं आप लोगों को प्रूफ भी बता देता हूँ कि मैंने 7 दिन तक मेहनत की है और मेरे को क्या रिजल्ट मिला है। उन सभी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट में अभी आपको अटैच करके दिखाता हूँ स्क्रीन पर। वो सभी स्क्रीनशॉट आप देख लो अगर आपके पास टाइम है तो। ये लो प्रूफ भी रहा मेरे पास कि मैंने 7 दिन तक मेहनत की है, तो देख लो सभी प्रूफ।